जी नमस्कार, आखिर सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा जानकारी हम आपको दे दें। सीवर डीएम अमनीश सिंह के द्वारा 38 मजदूरों का जांच होने के लिए सैंपल भेजा गया था, जिनमें सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। आइए हम सुनते हैं सीवर डीएम अमनीश कुमार सिंह ने क्या कहा। सभी शिवहर जिला वासियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि विगत दिनों में जो हम लोगों ने 38 सैंपल्स भेजे थे, जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई आए हैं उनके उनके सभी के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। इस प्रकार से अपने जिले में जो कोरोना पॉजिटिव केसेज के संबंध में स्थिति है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम जिले में जो पॉजिटिव केस आया था, फिनारा के जो युवक थे पॉजिटिव पाए गए थे, अब उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है और वापस उन्हें उनके गाँव भेज दिया गया है। और बाकी जो एक कैंसर के पेशेंट थे उनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने NMCS भेज दिया है। दो एक्टिव केसेज हैं जो जिले में आइसोलेशन सेंटर में हैं। इसलिए जिलावासियों की किसी प्रकार से कोई घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी लोग हैं इनका किसी प्रकार से आबादी में मिक्सिंग नहीं हुआ है, इसलिए इसके आगे फैलने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। सुहिया कटसरी में जो प्रिकॉशन के तहत हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, आज उसको हमने हटा दिया है और लॉकडाउन की इस तीसरे फेज में 3 दिन दुकानें खुलने के लिए, कुछ पर्टिकुलर शॉप्स उनको खुलने के लिए मैंने आदेश निकाला था सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। उसी हिसाब से जिले में व्यवस्था है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि जो भी दुकानों में जा रहे हैं कृपया फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और यथासंभव हाइजीन के संबंध में जो डायरेक्शंस जो अपील समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा की जाती है कृपया उसको पालन करें। जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई बंधु आए हुए हैं विभिन्न जो प्रखंड स्तरीय कैंपों में हैं, पंचायत स्तरीय कैंपों में हैं, वहाँ पर हम लोग कैंप लगा करके मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा रहे हैं और अब तक पर्याप्त मात्रा में कैंप हम लोग लगा चुके हैं और काफ़ी अधिक लोगों के जॉब कार्ड बन चुके हैं। सभी की हम लोग स्किल मैपिंग भी कर रहे हैं ताकि जो इनका निर्धारित क्वारंटीन है वो क्वारंटीन का पीरियड खत्म होने के बाद उनकी स्किल के हिसाब से हम सभी लोगों को रोजगार दे सकें। अंत में हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से, इनपुट सब्सिडी के लिए पोर्टल खुल गया है, 20 तारीख भी फिलहाल उसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई करें और किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी करनी हो तो अपने प्रखंड के जो भी कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। जिला की वेबसाइट पर भी इससे संबंधित सूचना है, उसको आप देख सकते हैं और निश्चित रूप से सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को आप लोग